तो मुझे कौन सा वो मिला, मुन्ना महल। मुन्ना महल किस तरफ है? हाय गाइस, तो फाइनली मुझे अपना रूम मिल गया है और हम रूम में आ गए हैं जिसका नाम है मुन्ना महल। तो ये रूम का टूर एंजॉय करिए। ये रूम के ठीक सामने का व्यू, जो अगर मैं वाइड एंगल में दिखाता हूँ तो जो ऐसा दिखता है, मैं नॉर्मल कर देता हूँ। तो चलते हैं, आपको रूम दिखाता हूँ। तो सबसे पहले रूम में देखिए, एक यहाँ बाहर रूम के बाहर ठीक मुझे कुछ स्पेस मिला है जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी बैठने के लिए, और इवन यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है तो ये टेबल आपके लिए है। यहाँ से देखिए, इस टेबल पे अगर आप बैठोगे तो ये व्यू आपको मिलेगा, सामने का व्यू, जो कि थोड़ा सा आगे जाओगे तो पूरा ये खुला व्यू मिलेगा। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं आपको अपने रूम का टूर कराता हूँ, अपने रूम का। तो ये रूम है मेरा, एंट्री लिया और लेफ्ट साइड मेरे ये कुछ बना है बेड आई थिंक। फिर उसके बाद एक स्पेस यहाँ पे है, पता नहीं क्या है, क्यों है मुझे सर, ये हमारा लगेज रखा हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे ऐसे रखना तो रख सकते हो, लॉकर रख बेसिकली। तो ये पेंटिंग, फिर अब ये एक पूरे रूम का व्यू है, जो अगर मैं आपको यहाँ से बैठ के दिखाऊँ तो आपको पूरे रूम का व्यू ऐसे मिलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। और फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो और फिर इसी के ठीक बगल में इन्होंने कुछ वाटर बॉटल रखी हुई है, और यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज आप देख सकते हो जो चल रही है। यहाँ से भी एक विंडो है जहाँ से आप बाहर देख सकते हो, ये देखिए बाहर का व्यू। मैं वापस आता हूँ। उसके बाद यहाँ लैंप रखा है, ये पूरा एक बेड है, एक बेड और इसमें एक छोटा सा है, अगर आयजा चाहें तो इस पर सो सकती हैं। ये यहाँ पे, और एक मिरर यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे एसी है, फैन है, लाइट है, ओवरऑल गुड। अगेन यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो मुन्ना महल क्यों है इसका नाम, ये देखो आप, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की पिक्स लगे इस रूम में। यहाँ पढ़वा, चिल्ड्रेन पोजिंग फॉर अ फॉर्मल पोर्ट्रेट, पुष्कर 2003, फोटो बाय राजन कपूर। तो ये छोटे बच्चों की फोटो लगी हुई है, और इस रूम का नाम है मुन्ना महल। अब सबसे, अब देखो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, और यहाँ से सीधे जब रूम खत्म होगा तो ये नीचे की तरफ है वॉशरूम। अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। सी दिस फैन, यहाँ पे क्या है इसके पीछे, यहाँ पे भी आई थिंक कुछ, ये देखो गार्डन है। कर्टन को मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे देखो एक गार्डन व्यू मिलता है बगल में, जहाँ आयजा खेल सकती है। तो अब मैं चलता हूँ वॉशरूम दिखाने आपको, जो नीचे है, बिल्कुल अंडरग्राउंड वॉशरूम है ये। ये देखो, मतलब मेरी हाइट का है, मेरी हाइट का वॉशरूम है ये। मैं छोटा था, पर छोटा नहीं है, जब आप अंदर आओगे तो ये काफी बड़ा है। मैं दूसरे कैमरे एंगल से दिखाता हूँ आपको, ये मैं वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, एक यहाँ पे इन्होंने टिश्यू पेपर रखा है, ऐसे वाटर्स, फिर ये रखा हुआ है, सोप है, ये वॉश बेसिन, टॉवल, मिरर, लाइट, देन ड्रायर। अब मैं चलता हूँ बाहर, यानी ऊपर। ये देखो, तो हम आ गए अपने रूम में। तो एक व्यू आप वाइट एंगल में फिर से देख लो, ये पूरे रूम का, बिल्कुल मैंने कॉर्नर से एक रूम का व्यू लिया है, जो कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक रूम है, और बहुत वो नहीं है। बेसिकली देखो सी, यहाँ बहुत लग्जरी, आप नहीं सोचना कि रूम में आ गए तो हर चीज़ बहुत लग्जरी होगी, तो लग्जरी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, इतना होने वाला है कि आपको कंफर्ट मिलेगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चीज़ें हैं काफ़ी अलग अलग जो मुझे अच्छी लगी, तो
बस ये आपका बाहर का व्यू है। अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो उसका प्राइस अलग होगा, अगर आप डबल रूम लेते हो तो उसका प्राइस अलग होगा। तो ऐसे ही इनके प्राइस, इनकी कैटेगरी डिवाइडेड है। तो मैंने जो रूम बुक किया है ये ओल्ड वर्ल्ड हेरिटेज करके, तो इसका जो प्राइस है वो प्राइस है मुझे पड़ा है ये 9,500 का, इंक्लूडिंग GST आप करोगे तो वही लमसम 10,500-11,000 ऐसे कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ पड़ जाएगा आपको, 10-11,000 का पड़ जाएगा। तो मिनिमम कॉस्ट मान के चलो आप 10,000-11,000 रुपए का ये रूम पड़ जाएगा जो मैंने लिया है ओल्ड वर्ल्ड रिच। ऐसे भी और रूम है तो वो यहाँ का ही होंगे, मतलब जो लोकेशन उनके पास, जो लोकेशन का रूम उनके पास खाली था वही मुझे मिला है। तो यहाँ पे और भी रूम है जैसे स्मार्ट रूम है, तो अब उसको कहाँ इन्होंने डिवाइड किया वो तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन आप जब वहाँ पे कर लोगे तो यहाँ पे इनके रूम डिवाइडेड है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ओल्ड वर्ल्ड हेरिटेज या स्मार्ट रूम, यहाँ पे सबके रूम के नाम है, मुन्ना महल है, राज महल है, क्वीन महल है, मतलब कुछ ना कोई महल के नाम से, मनी महल है एक, तो सब महल के नाम से यहाँ पे डिवाइडेड है। तो ये यहाँ पे एक ख़ास बात है और काफ़ी सही लग रहा था मुझे कि अच्छी चीज़ है कि महल के नाम से डिवाइडेड, थोड़ा सा यूनिक चीज़ है ये।